The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what are autoimmune diseases? Autoimmune disease kya hai? See, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है. वी हैव एन इम्यून सिस्टम विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी को जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफेंड करते हैं. दे डिफेंड आवर बॉडीज एंड मैनी डिजीजेज कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम के वजह से होने वाली बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून. नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम हम ही को खराब कर रहा भैया. हमारे पुलिस वाले हमारे देश को लूट रहे, आतंकवादी बन रहे, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, राइट? सो ऑटो इम्यून डिजीज इज बेसिकली दिस, राइट? सो आर ओन इम्यून सिस्टम अटैक्स आर ओन सेल्स. नाउ व्हाई दैट हैपन्स एंड इन हुम दैट हैपन्स, दिस इज मोर कॉमन इन वेमेन. फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है मेल्स के मुकाबले. और 80 से ज़्यादा प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं. देखिए, बहुत सारे सेल्स हैं इम्यून सिस्टम में. इम्यून सिस्टम के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन अ डिफरेंट वीडियो. वी हैव डिस्कस्ड इम्यून सिस्टम इन कंप्लीट डिटेल्स इन अदर वीडियो, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच. बट कोई भी जगह पे इम्यून सिस्टम में डिफरेंस आ जाए, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मुश्किल बैक्टीरिया, मुश्किल वायरस मिलता है, तो डिफिकल्ट वायरस, डिफिकल्ट बैक्टीरिया इज ब्रोकन डाउन टू रिमेंबर इट्स साइज, शेप एंड इट्स स्ट्रक्चर. बेसिकली लाइक एन एलियन. एक एलियन मिलेगा तो एक भी मिलेगा तो उसको तोड़ ताड़ के देखा जाएगा. सेम थिंग गोज विथ योर बॉडी. योर बॉडी एक्चुअली टेक्स दोज एंटीबॉडी, टेक्स द पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरन बॉडी, फॉरन ऑर्गेनिज्म, और उसके पार्ट्स को एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क रखते हैं कि ये याद रखना, ये फिर आया तो इसको ये मार देना, दिस इज अ हॉस्टाइल पर्सन, राइट? एक बैक्टीरिया हो, वायरस हो, समथिंग लाइक दैट. सो ऐसा हमारी बॉडी करती है कि दे मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पार्ट्स ऑफ foreign objects, foreign material, microorganisms. So sometimes what happens, these antibodies can match in structure to our naturally occurring parts, body parts. कई बार ऐसा होता है कि ये antibodies का जो structure है, शक्ल है, अकल है, वो हमारे ही अंदर के किसी body के organ के part के organs के अंदर के किसी एक टिश्यू के हाथ मिल खाते हैं. तो हमारे इम्यून सिस्टम जो घूम रहे होते हैं उस पर्टिकुलर को ढूंढते हुए वो उस टिश्यू को पकड़ के धो देते हैं, उस चीज़ों को अटैक कर देते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ अ टिश्यू, उसके ऊपर ऑटो एंटीबॉडीज अटैक कर देती हैं. दैट बिकम्स इन्फ्लेम्ड. एंड वेन एवर देर इज, जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ अटैक होगा, मिसगाइडेड अटैक. वहाँ एक्चुअली में कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, इट्स अ नॉर्मल टिश्यू. बट बिकॉज उसका स्ट्रक्चर उस प्रोटीन के जैसा है, दैट्स वाई दैट टिश्यू इज गेटिंग अटैच. तो उस टिश्यू को अटैक होकर वहाँ पे बम फोड़े जाते हैं. कहने का मतलब है अटैक हो जाता है और वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज. सो वहाँ अगर जॉइंट होगा तो जॉइंट खराब होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा. वहाँ अगर स्किन होगा तो सोरियासिस जैसी कोई कई सारी बीमारियाँ, 80 से ज़्यादा बीमारियाँ ऐसे होती हैं, राइट? कितनी कॉमन है? इतनी कॉमन है कि पूरे सिर्फ एक एक कंट्री में, हमारी कंट्री में मान लीजिए 25 मिलियन लोग कम से कम सफ़र कर रहे होंगे इससे, राइट? और इट्स बेसिकली कहा जाए तो एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, वन ऑफ द लीडिंग कॉज, मतलब आपका चलना फिरना कई चोज लोगों की ऐसी तैसी कर रखी है इस बीमारी ने, ऑटो इम्यून डिजीज़. अब इसमें हर चीज़ कॉमन नहीं है, कुछ रेयर हैं, कुछ कॉमन है. 80 से ज़्यादा बीमारियाँ ऑटो इम्यून. सो सम आर रेयर, सम आर कॉमन. जैसे हशिमोटो थायरोडाइटिस, हशिमोटोस डिजीज इज रेयर, कई होती है, राइट? और जैसे नहीं, हशिमोटो थायरोडाइटिस इज वेरी कॉमन. हशिमोटो इज वेरी वेरी कॉमन, जो थायरॉयड की बीमारी होती है, कई लोगों को हशिमोटो होती है. लेकिन कई बीमारियां एक्चुअली बहुत रेयर भी हैं. अब क्या पता है हमें किसको होगी, कैसे होगी, किन लोगों को ज़्यादा होती है? नंबर वन, फीमेल्स को ज़्यादा होती है. नंबर टू, चाइल्ड बेरिंग फीमेल, चाइल्ड बेरिंग एज में फीमेल्स को ज़्यादा होती है. चाइल्ड बेरिंग एज मतलब 20 से लेके 18-20 से लेके 40 की उम्र के बीच में. फैमिली हिस्ट्री, जिनको एक के फैमिली को किसी को, इफ देर इज अ पर्सन विद ऑटोइम्यून डिजीज इन योर फैमिली, यू हैव अ गुड चांस, यू हैव अ हाई चांस, राइट? तो फैमिली, सिंगल पर्सन चांस, डबल पर्सन और चांस, डबल चांस, राइट? सो फैमिली हिस्ट्री, जिनके एनवायरमेंट खराब है, दैट मीन्स ज़्यादा खराब, मतलब अगर हार्श हवा लगती है, आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में रहते हो, राइट? आप मैकेनिक हो, गंदगी में ही काम करते हो, सो दैट बैड एनवायरनमेंट, सनलाइट, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्म गर्म हवा है,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल में काम इधर है, वर्किंग रहो, तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में यू हैव अ हायर चांस ऑफ इरिटेटिंग योर बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड एलिसाइटिंग मीनिंग और आपका ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होने का. सो रिस्क किससे बढ़ता है, और कुछ तरीके के रेस यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन हिस्पैनिक लोगों को ज़्यादा चांसेस हो, तो ये है ऑटो इम्यून डिजीज. और ऑटो इम्यून डिजीज वुमेन में ज़्यादा इफेक्ट करती है, और जब भी करती है तो क्या होगा, कोई भी जगह पे इफेक्ट करेगी तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है वो ऑर्गन में, वो जगह पे, चाहे स्किन हो, चाहे जॉइंट हो, चाहे बोन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे हेयर हो, चाहे नेल हो, चाहे कोई भी पेल हो, राइट वहां होगा फटीग, देयर विल बी फटीग, थकावट, डिजीनेस, देयर विल बी लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर होगा ऑटो इम्यून डिजीज में, ये सारी चीजें होगी. अब कई बार ये फ्लेयर होगा, कई बार तेज हो जाएगा, भयंकर इसका अटैक आएगा, कई बार कम हो जाएगा, कई बार फिर अटैक आएगा, कई बार कम हो जाएगा, फिर दवा लेनी पड़ेगी. सो लेट्स सी कौन कौन सी बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिजीज में. नंबर वन थिंग इज हेयर, एलोपेशिया एरिएटा. ऑटो इम्यून डिजीज अटैक्स द फॉलिकल ऑफ द हेयर, फॉलिकल, हेयर फॉलिकल अटैक होता है, हेयर फॉलिकल खराब, हेयर में पैची, पैची हेयर लॉस हो जाएगा, बाल गए, बाल खत्म, आप परेशान, आपने ली फिर हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, राइट. सो एलोपेशिया एरिएटा इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. फिर देर आर सम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, वो थोड़ा सा नॉट सो कॉमन बट इट इज देयर. इसमें ब्लड वेसल्स और खून की नसें में अटैक होता है, तो खून के क्लॉट्स बड़े आसानी से बनते हैं, सो इसमें मिस कैरेजेस हो जाएंगे फीमेल्स को, और हाथ पैरों में बहुत सारे नेट जैसे रैशेज आएंगे. हेपेटाइटिस, लिवर के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, जो लिवर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिवर में स्कारिंग, हार्डनिंग हो सकती है. अगेन लिवर बीमार होगा तो फटीग, लिवर में स्वेलिंग, येलोनेस, जॉन्डिस, आपको खुजली हो सकती है, आपके जॉइंट पेन हो सकते हैं, आपके स्टमक में डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकता है लिवर के अंदर. इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकता है. सीलियाक डिजीज, सीलियाक डिजीज इज वेयर इट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें आप जैसे ही ग्लूटेन खाते हो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके पेट में ऐसी तैसी हो जाए. ग्लूटेन इज प्रेजेंट इन वीट, राई, बार्ली, एनीथिंग लाइक दैट. सो और कुछ दवाओं में भी, तो बेड़ा गर्क का मतलब पेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सारा का सारा इन्फ्लामेशन, एंड यू आर सिटिंग विथ एबडोमिनल ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, पेन, वेट गेन, वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, इचीनेस हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है, मिस कैरेजेस हो रहे हैं, सीलियाक डिजीज ने ऐसी तैसी कर रखी है कई लोगों की. सो सीलियाक डिजीज, उसमें फिर आपको ग्लूटेन छोड़ के जीना पड़ता है. इवन डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 1 इज ऑटो इम्यून डिजीज, टाइप 2 इज नॉट, टाइप 1 इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें आपके पैनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ पैन, आइसलेट्स ऑफ पैनक्रियाज अटैक हो रहे हैं थ्रू दैट ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, एंड वो जाके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, इंसुलिन बनाने वाले खत्म, तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, कम बनेगा, बनते जाए कम 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 होके बंद हो जाएगा. सो आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो जाएगा. सो वट एवर यू आर ईटिंग, वो शुगर खून में नहीं, खून में ही रहेगा, सेल्स में नहीं जाएगा, सेल्स भूखे रहेंगे, आपको भूख लगेगी, आपको बहुत पॉलीफेजिया होगा, बहुत पानी पियोगे, यूरिन से निकालेंगे शुगर, बहुत प्यास लगेगी, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉली यूरिया, राइट, बहुत प्यास, वजन भी कम होता है टाइप 1 डायबिटीज में, और फिर सारी चीजें खराब होनी, आंखें, किडनी, एवरीथिंग गेट्स बैड बिकॉज ऑफ दैट. सो इट्स अ बैड बैड डिजीज टू बी मैनेज वेरी केयरफुली. सो दिस वन अदर ग्रेव्स डिजीज, थायराइड, ओवर एक्टिव थायराइड इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज. हाशिमोटो थायराइड इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ, हाशिमोटो से ज्यादातर हाइपोथायराइड होता है. ग्रेव डिजीज इज हाइपर थायराइड, उसमें हाइपर थायराइड में बहुत ज्यादा बेसिक एक्सेलरेटर दबा हुआ है आपका, थायराइड इज हाइपर, एक्सेलरेटर दबा तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस एंड हीट सेंसिटिविटी, स्वेटिंग, बिटर ब्रिटल, मसल लॉस, मसल पेन, कुछ खाओगे भूख लगती रहेगी, हाथ पैर हिलेंगे, नींद नहीं आएगी, बैड ऐसी तैसी होती रहेगी थायराइड में. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज GBS, गुलेन-बारे सिंड्रोम. ये इम्यून सिस्टम आपके नर्व्स को अटैक करता है, नर्व्स को, स्पाइनल कॉर्ड को, इवन डैमेज करता है ब्रेन के आसपास सारे इसको, तो नर्व्स खराब होंगी तो मसल में प्रॉब्लम. सो मसल और ब्रेन का कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, वीकनेस, टिंगलिंग, नमनेस, पैरालिसिस तक आ सकता है, और बीमारी तुरंत बढ़ सकती है. हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस हमने कहा वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब एक्सेलेटर दबता ही नहीं, गाड़ी धीरे चलेगी, फटीग होगा, वीकनेस होगा, वेट गेन होगा, ठंड लगेगी ज़्यादा, सेंसिटिविटी, कोल्ड विल इंक्रीज, आपके अंदर मसल जॉइंट पेन, मसल जॉइंट स्वेलिंग, मोशन भी धीरे धीरे काम करेंगे, होगा कॉन्स्टिपेशन. भाई तेज जा रहा हूँ लेकिन फिर सुन लेना आगे रिपीट करके. हीमोलिटिक एनीमिया भी है एक तरीके का खून की कमी. हीमोलिटिक एनीमिया भी ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो, खून के सेल्स डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा.
एनीमिया खून में ऑक्सीजन ले जाने वाली कम है तो भी फटीग होगा, तो सांस फूलेगा, डिजीनेस होगा, खून ऑक्सीजन सर पे नहीं जाएगा, हेडेक होगा, चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकते हो, गिर सकते हो, और खून रेड सेल्स टूटेंगे तो बिलिरुबिन खून में आएगा, जॉन्डिस होगा, हार्ट के अंदर धड़कन बढ़ाएगी, भाई खून ही नहीं पहुंच रहा, धड़कन बढ़ेगी खून बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए. सो दैट इज ऑल व्हाट हैपेंस इन हीमोलिटिक एनीमिया, राइट. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, राइट, ITP. इसमें प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते, प्लेटलेट भी डिस्ट्रॉय होते ऑटोइम्यूनिटी से. इससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी धड़ाधड़, प्लेटलेट है, क्लॉटिंग नहीं करेंगे तो प्लेटलेट नहीं है तो ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंसेस आ रहे हैं, इतने ब्लीड होते जा रहे, इतने ब्लीड होते जा रहे, पूछो मत. आपका रैश आएगा कहीं पर भी, खुजली करी रैश, मच्छर काटा, ये बड़ा इजी ब्रूजेबिलिटी, नाक से खून, यहाँ से खून, वहाँ से खून, ITP, राइट. फिर IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आथड़ियों में अल्सर्स हो रहे हैं वो भी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, पेट में दर्द, कभी डायरिया, कभी लैट्रिन में खून, कभी वेट लॉस, कभी खाना नहीं खाया जा रहा, कभी मुंह में छाले, पेट में इतना ऐसी तैसी, राइट. सो दिस इज IBD ऑटोइम्यून डिजीज में. और इसमें इवन पॉली इन्फ्लामेटरी मायोसाइटिस होता है, मायोपैथी मतलब मसल में इन्फ्लामेशन, मसल के कोई टिश्यू के साथ रिएक्शन, मसल में होगा तो क्या होगा, मसल, मसल में दर्द होगा. इसमें मायोसाइटिक एंड डर्मेटोमायोसाइटिस दो अलग चीज़ें होती है. डर्मेटो बोले मतलब स्किन, डर्मेटोमायोसाइटिस स्किन मसल इन्फ्लामेशन, स्किन का भी हो रहा, मसल का भी हो रहा इन्फ्लामेशन, और पॉलीमायोसाइटिस मतलब बहुत सारी मसल का इन्फ्लामेशन, पूरी बॉडी में यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ये दर्द इधर, फटीग, अब दर्द होगा, फटीग होगा, चलने फिरने में, सांस लेने में, कई चीज़ों में दिक्कत. इवन MS सबसे खतरनाक बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या वो भी दिमाग की बीमारी है जहाँ नर्व्स, ब्रेन डीजनरेट हो जाते हैं, अटैक करती है ऑटोइम्यून डिजीज़ आपके दिमाग को. वहाँ पर आपको सिंपल वीकनेस से लेके बैलेंस प्रॉब्लम से लेके पैरालिसिस तक, ट्रीमर्स, नमनेस, ऐसी चीज़ें हो सकती है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ बिग बिग डिजीज़, डेंजरस डिजीज. फिर माइस्थीना ग्रेविस, MG इज ऑल्सो अ डेंजरस डिजीज, जिसमें भी आपकी नसों को और पूरी की पूरी बॉडी के नसों को आपके अटैक किया जाता है, और इसमें भी आपको डबल विजन से लेके पैरालिसिस तक दिक्कत आ सकती है, बातें करने में प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, टंग टेढ़े हो जाना, मुँह टेढ़ा हो जाना, सो मैनी, इतनी खतरनाक होती हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस, राइट. सोरियोसिस, स्किन में सोरियोसिस होता है ना, स्किन के ऊपर बड़े बड़े सफ़ेद सिल्वरी पैचेस आ जाते हैं, खुजली कर कर किसी किसी की स्किन देखी है, दैट इज़ ऑल्सो ऑटोइम्यून डिजीज. उसमें स्किन घपा घप ग्रो हो रही है, जो ग्रोथ रेट है 5 गुना बढ़ गई, वहाँ पर 10 गुना बढ़ गई, तो स्किन बड़बड़ जमा हो के सफ़ेद हो जाती है, स्केली हो जाती है, वो होती है ऑटोइम्यून डिजीज. थिक रेड, कभी लाल, कभी सफ़ेद, कभी सिल्वरी पैचेस आने लग जाते, खुजली भी हो सकती है कभी कभी, ये होता है. और सबसे कॉमन, सबसे बीमारी खतरनाक घुटनों की, जॉइंट्स की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जिससे कि घुटने के अंदर जॉइंट, जॉइंट का लाइनिंग, कार्टिलेज सब खराब हो रहा है, उसको अटैक हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज. तो आपके जॉइंट में पेन होगा, स्टिफनेस, सूजन, जलन, और जॉइंट अकड़ जाएंगे, ऐसे पकड़ लिया किसी ने, जॉइंट हिल नहीं पा रहे हैं, राइट. वेट लॉस होगा, और इसमें दूसरे ऑर्गन भी पकड़े जाते हैं, लंग, लिवर, आपका स्किन के नीचे लम्ब्स, आपका एनीमिया, खून की कमी, वेट, फीवर, आँखों में जलन, ये सब होता है. इवन कुछ और बीमारी है जैसे स्क्लेरोडर्मा, जिसमें के खून के नीचे की ब्लड वेसल्स अटैक होती है, और सजॉर्गन सिंड्रोम, जिसमें के आपके ग्लैंड्स, जो आँखों, आँख वाला और सलाइवा वाला ग्लैंड है, वो खराब होता है, तो वहाँ से घपा घप यानी ड्राइनेस हो जाएगा, वही नहीं निकल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, आपका सलाइवा ही नहीं आ रहा है, आपके थूक ही नहीं आ रहा है, तो गटकों के कैसे, आँखें ड्राई हो जाएगी, सजॉर्गन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, राइट. ये होता है. SLE भी इसका ही पार्ट है, विटीलिगो भी इसका पार्ट, विटीलिगो स्किन में व्हाइट पैचेस देखे ना किसी किसी के, ऑटोइम्यून डिजीज है ये, वहाँ पे स्किन के जो मेलानोसाइट्स वाले सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस ऑटोइम्यूनिटीज, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं जो के जो एरिया सन से एक्सपोज होते हैं, राइट. बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटीलिगो में, कलर लॉस हो जाता है. और SLE बेसिकली, SLE में डिजीज़ में आपके जॉइंट, स्किन, किडनी, लंग, हार्ट, इतनी खतरनाक बीमारी, इन सारे टिश्यूज पे एक साथ अटैक होता है. सो बहुत सारी बीमारियां होती हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ में. ऑटोइम्यून डिजीज़ एक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम और फाइब्रोमायल्जिया को भी ऑटोइम्यून डिजीज़ में गिना जाता है, बट दे आर नॉट ऑटोइम्यून डिजीज़, राइट. दीज आर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज़, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, राइट. अब कैसे पता चलेगा आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सबसे बड़ा सवाल, टेस्ट क्या होगे, राइट. सो